सूरज सिंह आपका भाई आपका दोस्त आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया। बहुत दिन हो गए यार, टाइम ही नहीं मिलता था कि वीडियो बनाऊं। सो आज मैं और जार फ्री हैं, बहुत टाइम बाद एक साथ वर्कआउट करने का सोचा है, और वो भी वर्कआउट होगा आज लेग्स का, जो इसका बहुत प्यारा वर्कआउट है। अभी तो बिना चड्डी के ही कर रहा है ये, अभी पहनेगा। तो सोचा एक एक वर्कआउट आप लोग को करके दिखाएं, क्या पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो जार और मैं करते हैं, होपफुली आप लोग को समझ आए। और बेसिकली आपको टेक्निक पे ध्यान देना है, वेट तो उठ जाता है यार, अगर आपका फॉर्म ठीक होगा तो वेट उठ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। वार्म अप हम लोग कर चुके हैं, दो सेट हम लोग फ्री स्क्वाट्स का भी कर चुके हैं, तो अभी पावर रैक पे आए हम लोग स्क्वाट्स कर रहे हैं, बल्कि ये तीसरा चौथा सेट है। तो आपको जस्ट देखना है कि कितना डीप जाना चाहिए स्क्वाट्स करते वक्त, और क्या फॉर्म होना चाहिए। स्क्वाट्स का ही है, और जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से हैवी वेट करना चाहिए, हैवी वेट पे मत जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हैवी वेट करना है, कम वेट से स्टार्ट करो। मेन फोकस अपने स्टांस पे, अपने कितना डीप जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, वो आप इस सेट में आप देख सकते हो। ऐसे परफेक्ट, दो तरीके का होता है, या तो आप पूरा डीप जाओ ऐसे कम्प्लीट हो, या फिर 90 डिग्री तो बेड। कोई स्क्वाट्स करते वक्त इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, दो तरीके से ही कर सकते हो, या तो कम्प्लीटली डीप जाओ या फिर 90 डिग्री तक जाओ, जिससे आपका क्वाड्स मसल्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सके। और बाकी अब इसके बाद जो सेकंड वर्कआउट है वो लेग प्रेस है। होता क्या है ना यार, वर्कआउट सब के सब सेम ही करते हैं, बट करने का तरीका, पोस्चर करेक्ट है कि नहीं, फॉर्म ठीक है कि नहीं, वो सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकेंड सेट अभी लेग प्रेस का चलने वाला है, वो आपको करके दिखाते हैं उसमें कितना स्टांस रखना चाहिए और कौन से मसल्स को हिट करता है, तो बताता हूँ। सो गाइस, ये लेग प्रेस के मशीन में तीन तरीके का स्टांस होता है। एक तो आपको बिल्कुल नैरो रखना है, जितना नैरो होगा उतना आपके आउटर क्वाड्स पे फर्क आएगा, राइट। दूसरा होता है शोल्डर लेवल पे, वो आपके मिडिल क्वाड्स पे आएगा। और जो थर्ड होता है वो एकदम ही वाइड रखना है आपको स्टांस, जो कि आपके इनर लेग्स के लिए आएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आप लोग कर सकते हो, लेकिन आज मैं सिर्फ शोल्डर लेवल पे ही कर रहा हूँ, जो आप मेरे मिडिल क्वाड्स को हिट करे कर रहा हूँ, वो भी नॉर्मल स्टांस पे ही रख रहा हूँ, ताकि जिससे मेरा मिडिल क्वाड जो है, ये पार्ट है जिस पे मुझे बैक चाहिए, राइट। तो कितना नीचे आना चाहिए वो आप इस साइड पे देखो, एटलीस्ट 90 डिग्री तक तो आपको नीचे लाना ही लाना है। थर्ड वर्कआउट है लेग एक्सटेंशन। तो इसका जो प्रॉपर फॉर्म है ना, लोग इसमें बहुत फास्ट करते हैं यार, फास्ट करने की जरूरत नहीं होती, जार अभी करके दिखाएगा। हो सके तो ऊपर एक सेकंड का हर बार आप होल्ड करो, और 15-20 रेपुटेशन आपको लगाने हैं, 3-4 सेट लगा के दिखा जार भाई। चल फर्स्ट परफेक्ट, ऊपर हर बार एक सेकेंड होल्ड करना है, करेक्ट फॉर्म गाइस यही है। वो रेलगाड़ी की तरह लोग करते हैं ना फटाफट, मसल्स पे पता भी नहीं चलता कि कौन से मसल को हिट कर रहा है। अभी क्या है, ये प्रॉपर इसका जो क्वाड्स है उस पर आ रहा है। फोर्थ वर्कआउट है लंजेस। तीन टाइप के लंजेस होते हैं जो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। एक तो स्टैंडिंग लंजेस है, जर करके दिखा भाई। स्टैंडिंग लंजेस में आपको एक लेग को ही 15-20 रेपुटेशन करने हैं, देन चेंज करना है। वेरी गुड ब्रो। और इसमें पोस्चर क्या है, जो आपका नी है वो टो से आगे नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट 90 डिग्री पे आना चाहिए, और जितना स्लो करोगे उतना ही बेस्ट है। तो एक वेरिएशन तो ये हो गया लंजेस का, जो आप लोग कर सकते हो। सेकंड वेरिएशन है अल्टरनेट लंजेस, आपको हर बार अल्टरनेट करना है। वैसे तो ये बैक लंजेस करने लग गया, रिवर्स लंजेस भी बोलते हैं इसको। आप ये बैक भी कर सकते हो और फ्रंट भी कर सकते हो। थर्ड वेरिएशन है लंजेस का, वॉकिंग लंजेस है। आपको ये बहुत ही स्लो करना है यार, और पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है आपके क्वाड्स पे प्रेशर आना चाहिए, फ्रंट लेग के क्वाड्स पे। सेम थिंग है, नी आपके टो से आगे नहीं जाएगा, बैलेंस रखना है बॉडी को। फ्रंट से मैं दिखाता हूँ, दोनों लेग के बीच में एटलीस्ट 1 फीट का गैप आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस भी बन पाएगा। गुड, वेरी गुड ब्रो। सो फोर्थ वर्कआउट हमारा ये लंजेस था, जिसके तीन टाइप्स थे, वो मैंने आपको तीनों टाइप्स बता दिए। सो गाइस, आज स्पेशली जो वीडियो बनाया था वो हमारे क्वाड्स के लिए था, जो चार वर्कआउट हमने बताए करके आपको।
मेन फोकस आप उन पे ही करो, ज़्यादा फैंसी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लंजेस एंड एक्सटेंशन आपका अगर अच्छा है तो आपका क्वाड्स बहुत अच्छा हो जाएगा। वर्कआउट बताने के लिए बहुत सारे वर्कआउट है, आने वाली सीरीज़ में मैं बताऊंगा और क्या क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप ये चार बेसिक चीज़ों को भी स्ट्रांग कर लेंगे ना तो आपका लेग्स बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ क्वाड्स के लिए ही है, हैमस्ट्रिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं और जार स्पेशली हैमस्ट्रिंग के वर्कआउट्स बताएंगे आपको। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो यार अभी भी, ताकि नए नए आपको वीडियोस, नए नए वर्कआउट्स आपको हम लोग बता पाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय। इसकी वाट लग गई है।